इंजीनियर्स डे पर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंजीनियर्स डे के आयोजन रक्तदान शिविर में 51 इंजीनियर्स ने रक्तदान किया। उत्साह और उमंग के साथ किए गए रक्तदान में कहा गया कि इसके जरिए कई लोगों का जीवन बचाया जा सका। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.एन. द्विवेदी ने बताया कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 15 सितंबर को ही आर.के. दत्ता का रक्त की कमी के कारण निधन हुआ था। इसी की वजह से उनकी पुण्यतिथि पर वे लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की टीम ने यहाँ पर रक्त एकत्रित किया। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी ने यहाँ पर पौधारोपण भी किया। आज 15 सितंबर है, इंजीनियर्स डे है, अभियंता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज स्वर्गीय एम विश्वेश्वरैया जो अभियंता थे हमारे, उनका जन्मदिन भी है और हम उनकी पुण्यतिथि पे और स्वर्गीय आर.के. दत्ता जो हमारे हृदय सम्राट थे उनकी पुण्यतिथि पे आज के दिन ही उनका जो है देहांत हुआ था। और उनका देहांत चूँकि रक्त की कमी के कारण हुआ था तो उसी दिन से हम लोगों ने ये एक संकल्प लिया था हमारे संघ और महासंघ ने कि हर 15 सितंबर को अभियंता दिवस भी मनाएंगे और उनके एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करेंगे, जो कि हमारे सारे इंजीनियर्स जो हमारे हैं कानपुर के, कानपुर मंडल के, वो यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। अब हमारी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की ब्लड जो डोनेट वो ब्लड कलेक्ट करती है वो टीम भी आई हुई है, 9 सदस्यीय टीम है, वो हमारे सभी इंजीनियर्स भाइयों का और अन्य जो स्वैच्छिक रक्तदाता है उनका रक्त कलेक्ट कर रही है। और ये बहुत पुनीत कार्य है, एक रक्त यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है और ये मानव जीवन की सेवा, मानव जीवन की रक्षा के संबंधित काम है। हम लोग अपने विकास कार्यों में अपना समय लगाते हैं, विकास कार्यों को गति देती हैं, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे भवन बनाना हो, चाहे अन्य सारे हमारे जीवन सीवरेज के और जल निगम के सारे काम हो, वो हम सब करते हैं साथ साथ।